हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली हिंसा की वजह से दुल्हन बनी बुलंदशहर की एक बेटी बारात का इंतजार करती रही, मगर दिल्ली में जली नफरत की आग की वजह से बारात उसकी चौखट तक नहीं पहुंच सकी। दरअसल बुलंदशहर के सिकंदराबाद की रहने वाली नगीना की बारात 25 फरवरी को आनी थी, मगर दिल्ली में हुए दंगे की वजह से बारात दिल्ली से सिकंदराबाद नहीं पहुंच सकी। रिपोर्ट देखिए। हाथों में मेहंदी लगाए मासूम बैठी बुलंदशहर की इस बेटी की शादी दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ गई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद सियालदार की रहने वाली नगीना की दिल्ली के मुस्तफाबाद से 25 फरवरी बरोज मंगलवार को बारात आना मुकर्रर हुई थी, मगर मुस्तफाबाद में भड़के दंगे की वजह से बारात नगीना की चौखट तक नहीं पहुंच पाई और नगीना के हाथों में शादी की मेहंदी रची की रची रह गई। बारात नहीं आने से न सिर्फ नगीना के परिजन बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाले हिंदू परिवार भी सदमे में है। नगीना के परिजनों के मुताबिक उनकी दो बेटियों की शादी दिल्ली में तय हुई थी, जिसमें नगीना की बहन की शादी ओखला जबकि नगीना की बारात दिल्ली के मुस्तफाबाद से आनी थी। ओखला से आने वाली बारात तो तय समय अनुसार पहुंच गई, मगर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़कने के कारण मुस्तफाबाद से बारात सिकंदराबाद नहीं पहुंच सकी। आज मुस्तफाबाद से बारात आनी थी, वहां से जो वहां दंगा फसाद हो गया, वहां रास्ते बंद हो गए, वो ना आ पाए। यहां जो सब खाना वाना सब तैयार हो गया, खाना वाना तैयार होने के बाद सब बेकार, कोई काम नहीं आया, कामयाब नहीं हुआ, सब नुकसान। अब हम ये चाहते हैं वहाँ जो है अपना शांति हो, वहाँ खबर हो और वहाँ से आने बारात आनी चाहिए। वो अभी कोई बात ना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं अभी यहाँ कोई वो शांति नहीं है। जब जब शांति हो गई, जब वहाँ से बात करेंगे, जब देखेंगे आने की। अच्छा, वहाँ के हिंदू और मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये है, सब एक रहें अपना भाई, उनका खून हिंदू का क्या मुसलमान का दो दो खून है, ये सब एक ही खून है। ये तो बस ये हो गया मुखालते में, जैसे भी होगा, अब सब एक रहने चाहिए, शांति होनी चाहिए वहाँ भी। बारात न पहुँच पाने के कारण न सिर्फ नगीना के घर बल्कि पड़ोस में भी मायूसी छाई है। पड़ोसी पवन कुमार का कहना है कि गरीब यामीन ने शादी के लिए कर्ज लेकर मुश्किल से शादी की तैयारियों की थी, मगर बारात न पहुंचने के कारण पूरा मोहल्ला सदमे में है। क्या नाम है आपका? पवन राणा नाम है मेरा। पवन, कल आपके यहाँ पड़ोस में बारात आने वाली थी? हाँ जी, बारात आने वाली थी। क्या जानकारी मिली? आप लोग तैयारी कर रहे होंगे? हाँ, यहाँ हम सब लोग मिलकर यहाँ तैयारी कर रहे थे। ये चाचा के यहाँ बारात आने वाली थी, इनके यहाँ बेचारे गरीब लोग हैं, इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके इन लोगों ने शादी में लगाया था, लेकिन वहाँ झगड़ा होने के कारण बारात नहीं आ पाई और ये बहुत परेशान है बेचारे, इधर उधर से पैसा लेके कर इन्होंने इकट्ठा करके लड़की की शादी में लगाया हुआ था, जितना भी खाना था सब वेस्ट गया। यहाँ पे जो मेहमान वगैरह आए थे सब लोग परेशान हैं यहाँ पे। अच्छा पवन, जैसे कि सभी लोग आप तैयारियाँ कर रहे हैं, आप भी परेशान होंगे? जी, हम भी परेशान हैं। जब हमारे घर के बराबर में घर जैसे संबंध है हम लोगों के, तो सभी परेशान हैं, जाहिर सी बात है। जब हमारे दुख सुख में ये शामिल होते हैं, इनके में हम शामिल होते हैं। अच्छा पवन, जो दंगा कर रहे हैं सड़कों पे, जी, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से ये कहना चाहेंगे, ये नेताओं के चक्कर में ये लोग पड़ रहे हैं, तो ये हम भाइयों में क्यों दरार डालना चाहते हैं? चाहते हो हालात शांत हो? और हम जरूर चाहते हैं कि हालात शांत हो और एकता बनी रहे। जहां दिल्ली में जली नफरत की आग की तपन कितनी ही चौखटों तक पहुंची थी, तो वहीं बुलंदशहर में भी रहने वाले नगीना के पिता और उनके पड़ोस में रहने वाले हिंदू परिवार दिल्ली के लोगों से भाईचारे से रहने और आपसी सौहार्द कायम करने की अपील कर रही हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।